बुलेटिन में शामिल करेंगे दीगर कुछ खबरें। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कहना है कि लाटला इक्तदार में था तो जेब भरो तहरीक चलाता रहा, अब खुद जमान पार्क में खवातीन के घेरे में छुपकर बैठा है और कारकुनान को कहता है कि जेल भरो। मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन का अहवाल बता रहे हैं मुमताज खान न्यासी। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, इमरान खान को निशाने पर ले लिया। आज बाजवा साहब जब रिटायर हुए तो उन्होंने लोगों को कहा कि मैं मानता हूं कि इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ है। सिर्फ ब्लंडर करने का इतराफ काफी नहीं, अब वो जो दाग मुल्क और कौम के माथे पे लगाया उसको धोना पड़ेगा। मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयों को मकफात अमल करार दिया। दो दो घंटे की गिरफ्तारियों में जिस तरह बच्चों की तरह ये बिलक बिलक के रो रहे हैं, कसम से तरस आता है इन लोगों के ऊपर। कहते थे कि पहली बार टक्कर के लोगों से पाला पड़ा है, टक्कर के लोग जमीन पर बैठ के बच्चों की तरह रो रहे हैं। मरियम नवाज का कहना था कि मुल्क को महंगाई समेत तमाम बहरानों से निकालेंगे और इलेक्शन भी जीतेंगे। मुमताज खान न्याजी, एक्सप्रेस न्यूज, मुल्तान।